है कि निकाल लेता हूँ मैं। हाँ मैथ्स का इसका है? अभी वो पेपर आ रहा है, से मंगाया मैंने पेपर। ये तो बच्चे का इसका है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में कोई डाउट है? ओके मुझे तो सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने ही है, तो मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर ही देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा यू क्वेश्चन नंबर 1 की बात करो, डेल्टा यू के मतलब कौन सा प्रोसेस डेल्टा यू को रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली मतलब हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, है ना, हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इसका मतलब कौन सा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम? ओडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिगार्डिंग एंट्रोपी इज इनकरेक्ट। अच्छा, एंट्रोपी रिगार्डिंग इनकरेक्ट, डेल्टा एस सिस्टम में क्यू बाई टी, क्यू बाई टी उसके साथ एडजस्ट कर ले। पेपर है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा? अभी तो तू आए क्यों है जब डिस्कशन ही डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू बाई टी, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एस टोटल प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस फाइनल माइनस डेल्टा एस इनिशियल, डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस टोटल डेल्टा एस प्लस। कौन सा करेक्ट होगा? बी, ऑब्वियस सी बात है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। टू क्वेश्चन नंबर 28, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आई थिंक ये जो ग्राफ है आपको मैंने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आपको शायद मैंने पढ़ाया था, याद है? तो क्या बोल रहा है, यहाँ से एंट्रोपी गया है यहाँ से यहाँ, टी वन टेम्परेचर से डेल्टा एस फ्यूजन चालू हुआ है। इसका मतलब टी वन टेम्परेचर क्या होगा, टी वन टेम्परेचर क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट, और टी टू क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट। इनकरेक्ट पूछा है क्या उसने? तो करेक्ट है शायद, पहला ऑप्शन करेक्ट है, बराबर है। 29 नंबर, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स आर गिवन। एच टू गैस प्लस बी आर टू टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ एच बी आर। अच्छा, पहले इसमें आपको डेल्टा एन जी आर टी, मतलब इस क्वेश्चन 29 नंबर में आपको फॉर्मूला लगाना था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, बराबर। अब ऑप्शन ए में डेल्टा एन जी कितना है? जीरो, बराबर। ऑप्शन बी में डेल्टा एन जी कितना है? वन। ऑप्शन सी में डेल्टा एन जी है माइनस टू, है ना, और ऑप्शन डी में डेल्टा एन जी जो है वो कितना है? प्लस थ्री, बराबर। ये जीरो, तो इसका मतलब ये होगा पी का ऑप्शन कौन सा है? पी का है थ्री। क्यू का कितना है? वन, है ना, तो क्यू का आ जाएगा फोर, ठीक है। आर का क्या आएगा मेरा? आर का वन और एस का टू, बराबर। इस तरीके से तीन क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर 30, इफ वन मोल ऑफ वैंडर वाल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी वन टू फाइनल वॉल्यूम वी टू द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इज। रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, पी का फॉर्मूला क्या लगता है इसमें? रिवर्सिबल है, क्या करेंगे हम? फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन क्या होता है वैंडर वाल गैस इक्वेशन? हाँ, एटलीस्ट बस फॉर्मूला बस, पी बराबर क्या होता है आर टी बाय वी एम माइनस बी, बराबर।
पी प्लस ए ए एन स्क्वायर बाय वी इंटू वी माइनस बी बराबर इज इक्वल टू आर टी। तो आर टी वी एम माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा ए एन स्क्वायर मतलब वन बाय वी एम का होल स्क्वायर। यही होता है ना इक्वेशन नेट। अरे नेट इक्वेशन तो यही होगा बराबर। ठीक है अब ये नेट इक्वेशन हुआ बस अब उसको कुछ नहीं करना है मुझे। बागडन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस पी डी वी वी वन से वी टू तक आपको ये क्या करना था इंटीग्रेट ही तो करना था। अरे कुछ भी और आइडियल हो या रियल गैस हो फॉर्मूला तो पी डी वी होगा। रिवर्सिबल हो रिवर्सिबल भी बोल दिया तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन वैलिड रहेगा। पी की जगह आपको डी वॉल्यूम का कुछ रिस्पेक्ट में डालना है इक्वेशन। यही तो हम पूरे इक्वेशन में करते हैं याद है बागडन के मैंने नोट में भी आपको लिखा था। आपको प्रोसेस नहीं भी पता लेकिन अगर आपको पी का इक्वेशन दिया जाए वी के रिस्पेक्ट में तो आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन आर टी बाय वी एम माइनस बी प्लस ए बाय वी एम का होल स्क्वायर वी वन से वी टू तक। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आर टी बाहर हो जाएगा वन वी एम का वी एम माइनस बी का पावर माइनस वन है ना। तो क्या इंटीग्रेशन आएगा बताओ तुमको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताओ ना क्या होगा आर टी एल एन वी टू माइनस वी वन वी टू माइनस वी वी टू माइनस वी वन प्लस एल एन होगा वी टू माइनस बी अपॉन वी वन माइनस बी एल एन लगेगा। आई डोंट थिंक सो एल एन लगेगा। ओके ठीक है ओके गॉट इट। यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन ए कॉमन चला जाएगा माइनस टू तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री नीचे आ जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे और वन बाय वी वन क्यूब माइनस वन बाय ये होगा एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स का पावर एन माइनस वन ना प्लस वन। ओके सॉरी डिफरेंशिएशन में होता है माइनस वन अब बेटर है ना मैथ मेरे से इंटीग्रेशन ज़्यादा बेटर तुम जानते हो। बस हो गया अब कौन सा आंसर है बट ये तो माइनस में ऑप्शन क्या आंसर है हाँ माइनस आर डी। अच्छा ये बी का भी तो नीचे आएगा बराबर है ये प्लस मिल जाएगा वी वन से वी टू हाँ अच्छा ये इंटीग्रेशन हाँ बराबर है सब्ट्रैक्ट प्लस हो जाएगा ना बराबर है माइनस कॉमन ले लिया मैंने माइनस कॉमन लिया तो इधर माइनस और इधर प्लस हो जाएगा बराबर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 31 मैच द फॉलोइंग प्रोसेस विद द एंट्रोपी और लिक्विड वेपराइजेस। लिक्विड वेपराइज करेगा तो ऑब्वियस बात है उसकी एंट्रोपी क्या होगी पॉजिटिव होगी। आर रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा एच इज पॉजिटिव तो डेल्टा एच क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा उसके लिए ठीक है। और रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या है इसके बाद ये प्लस रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ क्या बोले थे रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन सी। अच्छा रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन अच्छा ये ऑप्शन अलग है ओके रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस डेल्टा एस इज पॉजिटिव एक्सपेंशन होगा डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब फर्स्ट का क्या होगा बी
थर्ड का भी बी ही होगा। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करेगा तो एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता एंट्रोपी। देखो फर्स्ट का बी है, सेकंड का, क्योंकि डेल्टा एस तो क्या रहेगा इस केस में, अच्छा लिक्विड वेपराइजेस, लिक्विड वेपराइजेस, फर्स्ट का बी है, सेकंड का सी है, थर्ड का रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। नहीं, इसका आंसर बी सी बी ही होगा, इसका आंसर बी सी बी, करेक्शन कर लो क्योंकि पॉसिबल नहीं है, एक्सपेंशन है तो ये क्या होगा एंट्रोपी पॉजिटिव ही रहेगा। इसमें देख लेते इन्होंने क्या दिया हुआ है 31st का, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इन्होंने एंट्रोपी चेंज जीरो माना है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो एंट्रोपी चेंज जीरो कैसे हो जाएगा। रिवर्सिबल में एक्सपेंशन तो हो रहा है ना, एक्सपेंशन तो है ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दैट डजंट मीन, एक्सपेंशन है स्पेस मिलेगा एंट्रोपी बढ़ेगी बढ़ेगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। रिवर्सिबल में एंट्रोपी जीरो, टोटल एंट्रोपी जीरो होता है ना रे, टोटल एंट्रोपी ना, तो इसमें ऐसा कुछ बोला ही नहीं उसने, उसने सिंपल है, उसने सिस्टम की बात की है या किसकी बात की है तो कुछ उसने बोला नहीं ना। हाँ अगर इन केस, इन दैट केस फिर एक ए ऑप्शन करेक्ट होगा रिवर्सिबल के लिए, फिर डेल्टा एस टोटल, टोटल अगर मैं ये डेल्टा एस टोटल मानता हूं तो ये किसके लिए, या यूनिवर्स आप जो बोल सकते हो आप, और अगर मैं सिर्फ डेल्टा सिस्टम की बात करूंगा तो तब पहला ये दो करेक्ट है बट ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आई बात समझ में, हालांकि उनको ये चीज देना चाहिए था कि यूनिवर्स की बात कर रहे हैं या टोटल की बात कर रहे हैं या सिस्टम की बात कर, तो ये थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 32, वन मोल ऑफ एन मोनो एटॉमिक आइडियल गैस एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली एट इनिशियल टेम्परेचर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 180 m फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर। आई होप सो ये तो कर लिया होगा क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला था, इरिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फाइनल टेम्परेचर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, T2 माइनस T1 बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम दिया भाई है ना, तो क्या होगा P इंटू V2 माइनस V1। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के ये वाला आंसर निकाल सकते हैं, निकाला था ये वाला आंसर, सबको समझ में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर अ गिवन सब्सटेंस TB इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड TA इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द करेक्ट वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी बाय ग्राफ बिटवीन एंट्रोपी चेंज एट इट्स टेम्परेचर। TA मेल्टिंग पॉइंट है ना, ऑप्शन ए है क्या, सी है, सी ऑप्शन है, से TB इज द मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा TB मेल्टिंग पॉइंट है, TA फ्रीजिंग पॉइंट है, बराबर है, बराबर है, नहीं समझ में आया, अरे रिवर्सिबल ही प्रोसेस तो है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, यहां से आ गया तो क्या हुआ मेल्टिंग, और यहां से आ गया तो क्या होगा फ्रीजिंग, बराबर। मान लो अगर मेल्टिंग हो रहा है तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उस, फिर सडनली क्या करेगा
मान लो मेल्टिंग हुआ, मान लो मेल्टिंग, जब मैंने मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया तो इसका मतलब वो प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है, एंट्रोपी चेंज नथिंग, एंट्रोपी चेंज नथिंग। लेकिन अगर मैंने बोल दिया इस पॉइंट के बाद सडनली मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, घटा दिया या बढ़ा दिया, तो कुछ साइड स्लाइटली सा चेंज आएगा और फिर अगेन टेम्परेचर क्या रहेगा, फिर अगेन एंट्रोपी चेंज कॉन्स्टेंट। क्यों? अगेन बॉइल फ्रीजिंग पॉइंट आते ही अगेन ये क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। बिकॉज बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर क्या रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ और तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है। नहीं है ऐसा। सी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम कब बोलते हैं, द टर्म मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम कब बोला जाता है, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आता है। आप किसी चीज को मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन कर रहे हो या बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन कर रहे हो तभी डिफाइन कर सकते हो जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। अदरवाइज एनी, आपको याद होगा मैंने ये पॉइंट लिखाया भी था आपके नोट्स में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल नेचर मतलब ये टेम्परेचर आप तभी बोल सकते हो किसी सिस्टम के लिए जब वो इक्विलिब्रियम पे एस्टेब्लिश्ड हो। आई बात समझ में? इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट चल रहा है मतलब एंट्रोपी जीरो, अब पूरा लिक्विड हो जाएगा, मैं सडनली चेंज कर देता हूँ एंट्रोपी में कुछ चेंज आएगा, अब जैसे पूरा फ्रीज हो गया फिर से एंट्रोपी चेंज जीरो। आई बात समझ में सबको? बराबर ऑप्शन सी। किसमें से इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ तो होता है ना, यहाँ भी नहीं होता है। एन आर टी टू माइनस टी वन बाय गामा माइनस वन, एक्चुअली फॉर्मूला एग्जैक्टली ये है, एन को हम वन मोल मान के चलते थे, आर ये क्यों कैंसिल होता था क्योंकि हम यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, समझ में आया? यहाँ पे हम क्या बी टू को क्या लिखते थे, एन आर टी टू बाय पी टू माइनस एन आर टी वन बाय पी वन, तो इसलिए एन आर कैंसिल हो जाता था। बट ऑलरेडी डायरेक्टली वॉल्यूम, चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, बेटर है ये आर तो आर एज इट इज रहेगा। टी टू निकालना है ना मुझे, टी टू माइनस टी वन दिया हुआ है क्या उसने, टी दिया हुआ है, ओके टी बाय गामा कितना है, मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है गामा, 5/7 5/3 होता है, 5/3 माइनस 1 इज इक्वल टू प्रेशर 180 एम है, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ एक्सपेंड कर रहा है, 2 से 1 मतलब 1 बाय 0.0821 यही होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे T2 माइनस T बाय 2/3 इज इक्वल टू 1 बाय 0.0821, तो T2 माइनस T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बाय 3 इंटू 0.0821, आई थिंक आंसर आ जाएगा। डी कहाँ से आएगा, ओके सॉरी ये माइनस होता ना यहाँ पे, अरे समझ गया ना, मेन चीज समझ गया ना, और कुछ था नहीं इसमें। चलो 33 समझ में आया, चलो क्वेश्चन नंबर 34। Which one is correct statement for the second law of thermodynamics? It is impossible for the Carnot process to transfer the heat from the... I think ये theoretical based question आपने कर लिया होगा, आया ना? Incorrect statement, D option I think incorrect है, 100% efficiency किसी भी cycle की नहीं हो सकती है। Standard heat of formation of delta H naught of given below, match the list with their delta H naught list 1 and list 2. जी आपको कैलकुलेट करके देखना था, आई थिंक कर लिया होगा, आई थिंक तुमने ये वाला या ना सॉल्व करूँ पक्का ना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्रेशन इज आर करेक्ट? डेल्टा इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है और एडियाबैटिक में क्यू जीरो होता है, तो डेल्टा यू बराबर वर्क डन इज आर, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है, वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक इज पॉजिटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है. सी बी बाय द सिस्टम, आई थिंक चारों ऑप्शन करेक्ट है इसके, है ना. चलो 37, विच एक्सप्रेशन प्लॉट एन एक्सोथर्मिक एच वर्सेस टाइम, ये किया था क्या? गलत आया, क्या किया था इसमें? क्या किया इन्होंने? देखो ए और सी और डी तो पॉसिबल नहीं है, सी और डी कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है ना. अब आप ऐसे देखो, स्लोप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, स्लोप क्या है मेरा? नेगेटिव, तो ऑब्वियस सा बात है ऑप्शन ए क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा. आपको सिंपल सा, अरे टाइम के साथ हालांकि कोई इक्वेशन नहीं होता है इसका, लेकिन आप ये तो जानते हो, किसी भी इक्वेशन का देख के स्लोप तो आप बता सकते हो ना, एटलीस्ट मतलब ये किसी भी कर्व को देख के आप स्लोप बता सकते हो, तो उसी अंदाजे से आपको लगाना था, है ना. समझ में आई बात सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 किया. आइडेंटिफाई द ग्राफ विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. फर्स्ट है वी वन से वी टू पी एक्सटर्नल डी वी, इट इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन है. ए बी सी, सी आई थिंक इज अ करेक्ट आंसर, है ना. क्या दिया उस? बी है, सिर्फ बी है, रिवर्सिबल है ना, तो रिवर्सिबल बहुत सारे प्रोसेस, अच्छा चार प्रोसेस है, एक दो तीन चार पाँच, मतलब फाइव स्टेप का साइकिल है ये. मुझे लग रहा था इनफाइनाइट है ये वाला, तो अगर इसको पहले वाले को भी इनफाइनाइट मान के चलते हो, नहीं है समझ में. इस कर्व में ऐसे बहुत सारे साइकिल बन सकते हैं ना. ये कौन सा था? रिवर्सिबल होता है ना, सिंगल स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप. तो अगर इनकेस अगर पहला ऑप्शन को आपने इनफाइनाइट स्टेप मान के चला, इनफाइनाइट स्टेप, मेरे को लग रहा था इनफाइनाइट स्टेप है, इसलिए मेरे को लगा सर ए बी और सी तीनों ग्राफ पॉसिबल है, बट ठीक है. ग्रोप बी तो था आंसर, बी तो फिक्स था, ए को उन्होंने शायद उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था. बी समझ में आया, तो हमने पढ़ा भी था, बट ए मुझे क्यों लग रहा है कि सही है, क्यों सही है? कि उन्होंने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया कि कितने स्टेप का ग्राफ है ये. मान लो अगर मैं इसका इन्फाइनाइट स्टेप मान के चलता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, नहीं समझ में आया? उसने ये नहीं बोला ना कि इसमें, देखो आप खुद से ऑब्जर्व करो इस चीज़ को, इसी के अंदर उन्होंने ये ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ हम तभी बनाते हैं ऐसा जब ये स्टेप इन्फाइनाइट वाला हो, नहीं समझ में आया? अरे यहाँ पे देखो ना, स्टेप आपको दिए हुए क्वेश्चन में, दिए क्वेश्चन नंबर 38 में पहला ग्राफ में देखो आप, ऑप्शन ए में बहुत स्टेप दिए हुए ना, और उसी के ऊपर उसने देखो कर्व ड्रॉ किया, तो ये कर्व तभी पॉसिबल हो सकता है इस तरीके से जब वो स्टेप इन्फाइनाइट हो, नहीं ऐसा. अब समझ में आ रहा है? ऑब्जर्व करो थोड़ा बात को, इसलिए ये शायद ये तो ऑप्शन ही गलत है, या तो ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत है. हालांकि बोनस तो नहीं मिलेगा इस चीज़ में, लेकिन ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था ये इस जगह पे, समझ में बात. 39 नंबर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 2 × 10⁻³ kg ऑफ आर्गन एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 1 atm 10 atm टू 1 atm एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस.
इसको आपने किया कैसे? वी डेल्टा पी से किया क्या? कौन सा वर्क डन बराबर हो जाएगा? बट इन्होंने ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसा कुछ बोला नहीं है यार कि अगर देखो सिर्फ एट अ टेम्परेचर टी मानोगे आइसोथर्मल डायरेक्ट मानना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कुछ इसके अलावा कुछ ऑप्शन दिया नहीं है। मतलब तो -2.303 nRT ln P1/P2 यही होगा। सॉरी log log तो -2.303 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 2 × 10⁻³ तो 20 ग्राम पकड़ लो डायरेक्ट इसी को 2 × 10⁻³ kg तो 20 ग्राम तो 20/40 मतलब 1/2 r की वैल्यू हो जाएगी पकड़ लो r के टर्म में रखो टेम्परेचर हो जाएगा T डिग्री सेल्सियस है तो 273 प्लस टी इंटू लॉग ऑफ 10 लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 तो ये कितना हो जा रहा है -2.303 इंटू आर इंटू 273 प्लस टी बाय 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये डी ऑप्शन मैच कर रहा है बराबर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आई थिंक कर लिया होगा ये वाला तो तुमने। इसमें डाउट है 40 नंबर में डाउट है तुमको? क्वेश्चन नंबर 41 तो और आसान है हैसलॉक के ऊपर ही है। बनाया था एक मैंने बोला था थर्मोकेमिस्ट्री बहुत इजी है खाली आपको रीअरेंजमेंट ऑफ प्लस माइनस ही करना है। क्वेश्चन नंबर 42 बनाया वर्ग हाँ बना लिया था 42 नंबर कोई डाउट है 42 में? हाँ आंसर तो मुझे पता नहीं 42 का देखना पड़ेगा। 42 का ये आंसर है हाँ 42 का ये वर्क डन ऑन द आइडियल गैस इन अ सिलेंडर व्हेन इट इज कंप्रेस टू एन एक्सटर्नल प्रेशर ओके कंप्रेस किया गया इन अ सिंगल स्टेप एज शोन इन बिलो। सिंगल स्टेप है सिंगल स्टेप कंप्रेशन है ये क्या है सिंगल स्टेप कंप्रेशन। सिंगल स्टेप कंप्रेशन का ग्राफ कैसा होता है वर्क डन में पीवी में पहले क्या होता है प्रेशर बढ़ता है फिर क्या होता है वॉल्यूम घटता है। ग्राफ का कौन सा मैच करेगा? डायरेक्शन नहीं दिया रे इन्होंने ए और डी तो कांस्टेंट ए और डी तो सेम ही दिख रहे मुझे। अच्छा हाँ प्रेशर कहाँ प्रेशर कांस्टेंट हाँ ओके ओके यही करेक्ट है। क्या क्या बोला तेरा क्वेश्चन क्या था? नहीं बोल 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 नहीं ऐसा नहीं है अरे इसी को बढ़ा दिया ना उन्होंने पी एक्सटर्नल बराबर ना ये क्या था क्या था ये वाला 43 में अ पर्टिकुलर रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू फॉर द फ्री एंट्रोपी चेंज। अच्छा रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज क्या है नेगेटिव है ठीक है। ये पानी है क्या किसी के पास? गला सूख रहा बहुत ज़्यादा नहीं है किसी के पास? एक मिनट पानी पी कर दो मिनट रुक जाओ चलो दो मिनट की बात है। अ पर्टिकुलर रिएक्शन हैज अ नेगेटिव इट हैज़ अ लार्ज नेगेटिव वैल्यू फॉर द एंट्रोपी चेंज इट हैज़ अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू फॉर द एंट्रोपी चेंज। अ रिएक्शन का नेगेटिव वैल्यू है फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा जी क्या है उसके लिए डेल्टा जी क्या है लेस देन जीरो। अब ये लेस देन जीरो कब होगा जब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये वैल्यू आपको ओवरऑल नेगेटिव लानी है। तब इसके दो तीन कंडीशन हो सकते हैं या तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए या तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तब पहला इट हैज़ अ लार्ज नेगेटिव वैल्यू फॉर द
एंट्रोपी चेंज, इट हैज़ अ लार्ज पॉजिटिव वॉल्यूम फॉर द, एंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता ऑप्शन, इट हैज़ अ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू फॉर एंथैल्पी चेंज और एट एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एट एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात की, इट हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर द एंट्रोपी चेंज एंड नेगेटिव, ऑप्शन डी करेक्ट है क्या, दिख भी रहे। 44 क्या बोल रहा है भैया, अ हीट इंजन एब्जॉर्ब्स हीट Q1 एट टेम्परेचर T1 एंड Q2 एट T2, वर्क डन बाय द इंजन इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, कौन सा है ये, क्या था 44 नंबर, तुझे समझ में नहीं आया 44, आसान था यार, हीट इंजन है एब्जॉर्ब कर रहा है Q1 ठीक है एट टेम्परेचर T1 एंड हीट Q2 एट T2, अच्छा यहाँ से हीट Q2 कर रहा है एट T2, देन वर्क डन बाय द इंजन इज, तो वर्क डन जो भी किया मिलके वो किया Q1 प्लस Q2, तो ऑब्वियस बात है दिस इज द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ को ऑब्जर्व कर रहा है, देखो जितना एनर्जी ऑब्जर्व किया उतना दे दिया, एनर्जी लॉ कंजर्वेशन वैलिड है यहाँ पे, इट डज नॉट वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ सेकेंड लॉ को भले ये नहीं वैलिड करता बट फर्स्ट लॉ यहाँ पे वैलिड है, फर्स्ट लॉ यहाँ पे बिल्कुल वैलिड, एनर्जी कंजर्वेशन पूरा करे ना भाई, जो एनर्जी ऑब्जर्व किया एनर्जी रिलीज कर दिया उसने उतना, रिलीज मतलब उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया ना, तो अरे एनर्जी रिलीज गलत वर्ड हो गया मेरे से, मैंने क्या बोला, जितना काम उसने अब्सॉर्ब किया उसको पूरा का पूरा वर्क डन में यूटिलाइज कर दिया, एनर्जी कंजर्वेशन तो है ही यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन तो वैलिड है ना, अरे मेंटल लड़के रिलीज नहीं कर रहा, वो वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया उसको, वर्क डन कर रहे हैं कुछ वर्क किया होगा ना उस सिस्टम ने, तो सिस्टम ने वर्क किया तो कितना वर्क किया था Q1 प्लस Q2, मतलब जितना एब्जॉर्ब किया उतना सबका सारा कन्वर्ट कर दिया वर्क डन में, दैट्स इट ठीक है। 45 कर लिया होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस फ्रीजिंग पॉइंट कर लिया था ये वाला, आसान सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये तो, चलो 46 नंबर में कोई डाउट है, 46 में डाउट है, एसिडिक एसिड कैन फॉर्म अ डाइमर, एसिडिक एसिड फॉर्म अ डाइमर, डायमर इज हेल्ड बाई टुगेदर बाई 2H बॉन्ड एंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इतना एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द डायमराइजेशन इज इतना, डेल्टा एस इतना, डायमर हेल्ड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 66.5 ठीक है। देखो एसिडिक एसिड का एक रूल होता है CH3COOH ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देता है, समझ में ये पॉइंट, समझ में एसिडिक एसिड है नहीं, एसिडिक एसिड ये समझ में आ रहा है, बेसिकली क्या क्या इसको क्या बोलते हैं हम डाइमराइजेशन, तो इसका उसने के इक्विलिब्रियम कितना दिया हुआ है, इसने इसके के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 1.3×10³, ये उसने उसको के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान समझना, ऊपर से उसने क्या बोला है डेल्टा एच की वैल्यू, जो मतलब ये जो स्ट्रेंथ करेगा तो डेल्टा एच जो रिलीज करेगा -66.5 kJ बराबर, उसने एंट्रोपी चेंज पूछा इससे, तो बराबर तो एक फॉर्मूला आता है डेल्टा जी बराबर -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम, तो यहाँ से आप इससे क्या निकालोगे पहले डेल्टा जी है ना,
और डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये वैल्यू पता है आपको, डेल्टा एच पता है, टेम्परेचर दिया हुआ है क्या उसने, हाँ दिया हुआ है, डेल्टा एस आ जाएगा, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 47 कर लिया होगा ये तो, हाँ आंसर आ रहा है। नहीं 750 आंसर, 753 है, 750 है, नहीं 750 आंसर आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है प्लस 5 कर लेना। अच्छा इसके तो नेगेटिव होते ही नहीं ना, प्लस 4 कर लेना, ऐसे भी 4 मार्क्स में कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा, तो छोड़ दो, ज़्यादा टेंशन मत लो। 48 नंबर कर लिया था, आसान सा का थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, कर लिया था कि शुड आई सॉल्व, कर लिया था। 49 नंबर, दो इसका आंसर है, तीन आंसर है, दो नियरेस्ट में तो 2 ही लिखोगे आप, नियरेस्ट वैल्यू आप 2 ही लिखोगे, नहीं ठीक है मैं बोल दूंगा 4 मार्क्स बस हो गया, 1 मिनट, 4 मार्क्स तुम्हारे बढ़ा देने के लिए, ठीक है सबके, ठीक है। और 50 नंबर क्या था, क्या आंसर बताऊं मैं, नहीं अब पता नहीं है, रट के नहीं आया था मैं, 50 इसका 2×10⁴ जूल, बराबर है, ये सॉल्व करूं, हो गया था, कर लिया था सॉल्व तुमने, क्या किया था इसमें, वर्क डन निकाला होगा, जो वर्क डन होगा वही तो एक्चुअली चेंजिंग गिब्स एनर्जी होगा, बराबर, चलो किया था ना, चलो फिर, थैंक यू।